ऊपर जो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा एक खूबसूरत जगह माउंट आबू के बारे में, जो भारत के राजस्थान राज्य के सिरोही ज़िले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह माउंट आबू अरावली पर्वत से घिरा हुआ है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बेहतरीन जलवायु के लिए माना जाता है। यह राजस्थान राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप यहां कैसे पहुंचें, कहां कहां घूमें, कैसे घूमें और कुल कितना खर्चा हो सकता है। इन सभी की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, इसलिए दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं माउंट आबू बाय ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन से आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचा। आबू रोड रेलवे स्टेशन से माउंट आबू की दूरी तकरीबन 35 किलोमीटर है। माउंट आबू हवाई मार्ग द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। माउंट आबू के निकटतम हवाई अड्डा है, वह है उदयपुर का हवाई अड्डा। उदयपुर से माउंट आबू की दूरी तकरीबन 180 किलोमीटर है। आप उदयपुर से वहाँ की लोकल कैब या रोडवेज बसों या प्राइवेट बसों के माध्यम से आप माउंट आबू पहुँच सकते हो। माउंट आबू सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप यहाँ सड़क मार्ग द्वारा भी यहाँ पहुँच सकते हो। इसके आसपास शहर हैं जैसे अहमदाबाद, उदयपुर सिटी, जयपुर, अजमेर। इन जगहों से भी आप डायरेक्ट ट्रेन और प्राइवेट रोडवेज बसों के द्वारा भी पहुंच सकते हो। आबू रोड रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको यहां की लोकल बसें, रोडवेज बसें और प्राइवेट टैक्सी आपको माउंट आबू के लिए आसानी से मिल जाएंगी। मैं माउंट आबू यहां की रोडवेज बस के माध्यम से पहुंचा था, जिसका नॉर्मल किराया था 50 रुपीज़ पर पर्सन। बस से मैं माउंट आबू बस स्टैंड पहुंचा। माउंट आबू में आप कैसे घूमें? यहां घूमने के लिए दोस्तों तीन ऑप्शंस हैं, मैं आपको बताता हूं। माउंट आबू बस स्टैंड के पास ही आपको यहां की लोकल जीप मिल जाएंगी। यहां घूमने के लिए आप चाहें तो उस जीप को पर्सनली बुक भी कर सकते हैं, या तो आप फिर उस जीप से शेयरिंग में भी घूम सकते हो। शेयरिंग में उस जीप का किराया है नॉर्मल पर पर्सन 300 रुपीज़। इस 300 रुपये में आपको जीप वाला यहां के सभी प्रमुख स्थानों को घुमाएगा जो यहां पर प्रसिद्ध हैं, जैसे नक्की लेक, दिलवाड़ा टेंपल, गुरु शिखर, अचलेश्वर महादेव, सोमनाथ मंदिर, शंकर मठ, सनसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट, ब्रह्मा कुमारी आश्रम, अर्बुदा टेंपल, सोमनाथ मंदिर। इन सभी स्थानों को जीप वाला घुमाकर आपको वहीं बस स्टैंड के पास लाकर छोड़ देगा। माउंट आबू घूमने का दोस्तों ये सबसे चीपेस्ट रास्ता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ये भी सबसे अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप माउंट आबू सही टाइम से पहुंच गए तो। आबू रोड रेलवे स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर है आबू रोड का बस स्टैंड। आबू रोड बस स्टैंड से हर सुबह 9:30 बजे वहां से वहां की सरकारी बस माउंट आबू ऊपर की ओर चलती है। उस बस में नॉर्मल किराया है पर पर्सन 100 रुपये। वो बस आपको वहाँ से ले जाकर माउंट आबू के सभी स्थानों को, जो अभी मैंने आपको पहले बताए, इन सभी स्थानों को घुमाकर और भी एक दो जगह एक्स्ट्रा घुमाकर आपको वापस शाम को 6 बजे आबू रोड बस स्टैंड पर नीचे लाकर छोड़ देगा। अगर आपके पास एक दिन का समय है तो आप ये ऑप्शंस भी चुन सकते हो दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको
सुबह 9:30 बजे बस स्टैंड पर पहुंचना होगा। तीसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शंस के लिए दोस्तों आपके पास 2-3 दिन का समय होना चाहिए। मैं ये आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप माउंट आबू कभी भी आएँ, माउंट आबू एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, आप यहाँ पे आएँ तो 2-3 दिन का टूर प्लान बना के ही आएँ। अगर आपके पास 2-3 दिन का समय है यहाँ पे, तो आप यहाँ के सभी डेस्टिनेशन को वॉक करके पैदल ही आसानी से सभी स्थानों को घूमा जा सकता है। यहाँ पे सभी स्थान 3-4 किलोमीटर के आसपास ही सभी टूरिस्ट प्लेस हैं, केवल एक टूरिस्ट प्लेस को छोड़कर, वो है अचलेश्वर महादेव और गुरु शिखर। ये माउंट आबू से 9 किलोमीटर तकरीबन दूर हैं। पैदल वॉक करके घूमने का दोस्तों यहाँ पे एक अलग ही आनंद आपको मिलेगा, एक अलग ही मज़ा है। यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण को आपको देखने को मिलेगा, यहाँ के सौंदर्य को देखने को मिलेगा, और आप यहाँ की करीबी से आप यहाँ की चीज़ों और मंदिरों के बारे में और यहाँ के संस्कृति के बारे में करीबी से जान सकोगे। दोस्तों माउंट आबू में रहने की बात करें तो आपको माउंट आबू में आपके बजट में ही 800 से लेकर 1000 रुपये की रेंज में अच्छे से अच्छा कमरा उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुजराती टूरिस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से गुजरात का बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है, तकरीबन 25 किलोमीटर दूर। यहाँ पर साल भर गुजराती टूरिस्ट को देखा जा सकता है। माउंट आबू घूमने के लिए दोस्तों आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं, यहाँ पर हर मौसम का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पर साल भर टूरिस्ट की भीड़ देखी जा सकती है। खाने की बात करें तो आपको यहाँ पे हर प्रकार के खाने खाने के लिए मिल जाएंगे, जैसे गुजराती फूड, राजस्थानी फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, सभी तरह के भोजन आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ के सभी टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में एक एक करके बताता हूँ। पहला पॉइंट है नक्की लेक। ये झील प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यह झील हरी भरी हरियाली और पहाड़ों से घिरी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार इस झील को देवताओं ने बसकाली नामक राक्षस से जान बचाने के लिए इस झील को नाखूनों से खोदा था, तभी से इसका नाम नक्की लेक पड़ गया। इसी झील में हमारे महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थीं, जिसके कारण यहां गांधी घाट का निर्माण किया गया। इस झील में आप बोटिंग भी कर सकते हो। यहां पर हर बोट का अलग अलग चार्ज है, 150 रुपये से लेकर 800 रुपये तक में यहां पे हर बोटों के अलग अलग चार्ज हैं। आप चाहें तो कुछ समय के लिए पूरी बोट भी बुक कर सकते हो। बोटिंग करते हुए आप यहां पर हरी भरी पहाड़ियों और प्राकृतिक का आनंद ले सकते हो। बोटिंग के लिए आप यहां सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कभी भी आ सकते हो। इस झील के आसपास जैसे गांधी घाट, रसिया बालम मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर, श्री रघुनाथ जी का मंदिर और भी कई जगहें हैं इसके आसपास घूमने के लिए, आप वहां भी घूम सकते हो। हमारा दूसरा पॉइंट है अर्बुदा देवी टेंपल। ये मंदिर एक ऊंची चोटी पर बना है और ये मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है। कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर माता पार्वती के होंठ गिरे थे, इसी कारण से इस मंदिर को अधर देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। अधर एक संस्कृत वर्ड है, अधर को हिंदी में होंठ कहते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम अधर देवी पड़ा। इस मंदिर में मां के दर्शन के लिए साल भर भक्तों की भारी भीड़ जमा रहती है। नवरात्रों के समय यहां पर और भी अधिक चहल पहल हो जाती है। अधर देवी का मुख्य मंदिर एक गुफा के अंदर है।
जहां आपको लेट कर जाना पड़ेगा। आप खड़े होकर नहीं जा सकते हो, आपको वहां पे माता के दर्शन के लिए उस गुफा के अंदर लेट के ही जाना पड़ेगा। गुफा के अंदर प्रवेश करने से पहले आपका पूरा सामान, मोबाइल फ़ोन सब रख लिया जाएगा। अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यह मंदिर अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात्रि के 8 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। ऊपर तक रास्ता बहुत ही सुरक्षित है, चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है और चढ़ते उतरते वक्त आपको अरावली पर्वत के मन भावन दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आप प्राकृतिक सुंदरता को कैच कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, सेल्फी ले सकते हो। वहाँ से बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है। नीचे से ऊपर तक मंदिर की चोटी तक पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 300 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर आपको मंदिर पहुँचना होगा। हमारा तीसरा पॉइंट है ब्रह्म कुमारी आश्रम। यह आश्रम सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर आश्रम के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, आप आश्रम के बाहर से फोटोग्राफी कर सकते हो। इस आश्रम में आपको शरीर और आत्मा के बीच परस्पर संबंध पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर आपको हिंदू संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आप यहाँ पे ये सारी चीज़ जान सकते हो, ज्ञान की प्राप्ति ले सकते हो। जीवन क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, तो ऐसी ही कुछ बातें इस आश्रम में बताई जाती हैं। इस आश्रम में आने से दोस्तों, वहाँ पे लोगों जो लोग वहाँ पे चर्चा करते हैं, उनसे बात करने से जो अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं, आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा ज्ञान दिया जाता है। हमारा चौथा पॉइंट है श्री सोमनाथ महादेव मंदिर। यह मंदिर भी माउंट आबू के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह स्थान गुरु महावशिष्ठ का तपो स्थल भी रहा है। इस मंदिर में एक तालाब भी है जिसमें रंग बिरंगी मछलियां हैं, आप उन्हें आटे की गोली बना के उन्हें खिला सकते हो, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों यहां पर कुछ पल आप शांति से ईश्वर का ध्यान लगाकर बैठ सकते हो, आपको दोस्तों यहां पर बहुत सुकून मिलेगा। हमारा पांचवा पॉइंट है दिलवाड़ा जैन टेंपल। यह जैन धर्म के लोगों के लिए एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। जब आप लोग इस मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे तब आप देखेंगे इसकी छत, दीवारों और स्तंभों पर बनी हुई कलाकृतियों को देखते ही रह जाएंगे। इतनी अच्छी कारीगरी कर रखी है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसी चीज़ को देखने के लिए देश विदेश से लोग इस मंदिर में आते हैं। यह मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। बाहर से देखने में आपको ये मंदिर अति साधारण सा लगेगा, परंतु आप जब मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे तब आपको लगेगा कि आप वास्तव में एक अलग दुनिया में आ गए हैं। यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक टूरिस्ट पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इस मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। इस मंदिर के अंदर फ़ोन, मोबाइल, वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, आप किसी भी प्रकार से अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको बाहर ही आपसे फ़ोन जमा करवा लिया जाता है। वहाँ पर फ़ोन जमा कराने का चार्ज है 50 रुपीज़ एक लॉकर का। आपके पास कोई कैमरा है या फ़ोन है तो आप वहाँ लॉकर 50 रुपये लेकर वहाँ जमा करा सकते हैं। हमारा छठा पॉइंट है अचलेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है और ये भी कहा जाता है कि ये पूरा माउंट आबू पर्वत भगवान शिव जी के अंगूठे पर टिका हुआ है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। मंदिर के गर्भगृह में रुककर पंडित जी से अचलेश्वर महादेव की कथा अवश्य सुने। हमारा सातवां पॉइंट है गुरु शिखर। माउंट आबू की
ये गुरु शिखर चोटी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर की ऊंचाई से आपको यहाँ मनमोहक दृश्य दिखाई देंगे जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। यहाँ पर तीन गुरुओं का मंदिर भी है जहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हो। इस मंदिर में ब्रह्मा विष्णु और शिव जी विराजमान हैं, उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। गुरु शिखर की ऊंचाई से यह शानदार प्राकृतिक दृश्यों के देखने के अलावा आप यहाँ इन तीनों देवों की मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं। इस मंदिर के सबसे ऊंची चोटी पर घंटा लगा रखा है, उस घंटे को लोग बजाते हैं तो पूरी आवाज़ गूंजती है। कभी भी आप आएँ तो इस घंटे को ज़रूर बजाएँ। इस घंटे की मधुर आवाज़ आपका मन मोह लेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरु शिखर माउंट आबू की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है, यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए। हमारा आठवां पॉइंट है शंकर मठ मंदिर। इस मंदिर में एक भव्य पत्थर से बना एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक खुला रहता है। यह मंदिर माउंट आबू के सभी धार्मिक स्थलों में से एक है। हमारा नौवां स्थान है सनसेट पॉइंट। ये निक्की लेक झील के बिल्कुल नज़दीक है। सनसेट पॉइंट प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक शानदार और एक अच्छी जगह है। यहाँ पे आप रंग बदलते आसमान को देख सकते हो, सूरज को डूबते हुए, सूरज को निकलते हुए यहाँ आप देख सकते हो। उस समय यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ रहती है, सूरज को डूबते हुए निकलते हुए मॉर्निंग में यहाँ पे देखने के लिए टूरिस्ट भारी मात्रा में आते हैं। यहाँ से माउंट आबू के पहाड़ियों के नज़ारे बहुत ही अच्छे और शानदार दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे सेल्फी फोटोग्राफी पिक ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पर एंट्री फीस है पर पर्सन 50 रुपीज़। यह स्थान सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक खुला रहता है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का अपडेट उनको मिलता रहे। धन्यवाद।